हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये लड़का इस हद तक गिर सकता है। काकी ने सही कहा था, ऐसे लड़कों को पुलिस के हवाले ही कर देना चाहिए। आशी, ये सब क्या बोल रही है तू? हम जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। हमसे पहले बहुत बड़ी भूल हो गई थी जो हमने सिद्ध को बचाया, लेकिन अब हम इस भूल को सुधारेंगे और इस बेशरम लड़के को पुलिस के हवाले करेंगे। जय श्री राम। आशी, ऐसे बिना सोचे समझे फैसला मत ले। सिद्ध बहुत अच्छा लड़का है यार। देख लिया हमने कितना अच्छा लड़का है वो। अब और नहीं देखना है, अब जो देखना होगा ना पुलिस ही देखेगी। आशी ऐसा मत कर यार। आशी, अगर तू पुलिस में उसकी शिकायत करेगी तो उसे जेल में डाल देगी, करियर खराब हो जाएगा उसका, जिंदगी खराब हो जाएगी उसकी। आशी, जेल में रहेगा तो कम से कम लड़कियों को तो परेशान नहीं करेगा ना, जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। और वैसे भी उसका पढ़ाई लिखाई में कोई मन नहीं लगता है, 3 साल से एक ही क्लास में है, हमारा सीनियर हुआ करता था और आज हमारे साथ में है। यार आशी ऐसा मत कर, वो बहुत ही भला लड़का है, कॉलेज में सबकी मदद करता है वो, उसकी नीयत और नियति दोनों ही साफ है। करनी तो गलत है ना, भले आदमी को अब मैं आसमान से नीचे उतार कर लेके आऊंगी। हेलो पुलिस स्टेशन। क्या आशी बिना हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहती है, सिंध बेचारा उसको कितना बुरा लग रहा होगा ना। आशी ने जो भी किया अनजाने में किया, वो तो सिड को अच्छे से जानती भी नहीं है। तुम्हारी आशी तो मुझे समझ ही नहीं आती। Exactly. बहन जी है बिल्कुल। उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई पूरे कॉलेज के सामने तुम पे पैम्पलेट फेंकने की? भाई उस दिन भी जब तुमने उसकी जान बचाई थी ना, तुम्हें थैंक यू बोलने की जगह थप्पड़ मार दी। ये बात हमें बहुत चुभ गई है भैया, अगर तुम्हारी जगह हम होते ना उसे अच्छा सबक सिखाते, औकात दिखा देते होते उसकी। गुस्सा नहीं मनीष, गुस्से में होश खो जाता है। हमें अभी दिमाग लगाना है और ये सोचना है कि आग लगी तो लगी कैसे। विकास, तुम पता लगाओ कि ये गिरी हुई हरकत की किसने, किसने की है आशी की बदनामी और किसने छपवाई ये पैम्पलेट्स। इसमें पता लगाने की क्या जरूरत है, जरूर ये काम उस लड़की आशी का ही होगा। एक बात बताओ, तुम लोग आज तक उस लड़की को कॉलेज में किसी ने नोटिस किया? नहीं किया। अब तुम्हारे साथ उसकी वीडियो वायरल हो गई तो सोचा होगा हीरोइन बन जाते हैं, लगे आज थोड़ा नाम कमा लेते हैं, फेम कमा लेते हैं, सोचा होगा स्टूडेंट ऑफ द ईयर बन जाते हैं, आलिया भट्ट बन के घूमेंगे पूरे कॉलेज में। वही कर रही है ये सब। हम तो कहते हैं ऐसी लड़की को ना खोपचे में जाकर। चुप, खबरदार किसी लड़की के बारे में ऐसा बोला है तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, पंटा मार के ना कबूतर बना दूंगा। कॉलेज के दादा हो क्या तुम? जो सारे आम गुंडागर्दी करते फिर रहे हो आप लोग यहाँ? ये तुम्हारे कॉलेज का हीरो है ना, इसे अरेस्ट करने आए हैं। कुछ दिन हवालात की हवा खाएगा ना, दिमाग ठिकाने आ जाएगी इसकी। लेकिन मैंने क्राइम क्या किया? एक लड़की की बेहोशी का फायदा उठाकर उसकी मर्जी के खिलाफ उसे छूना कानूनन अपराध होता है और तुमने यही क्राइम किया है। तो इस लड़की ने मेरे खिलाफ कंप्लेन की है कि मैंने इसकी बेहोशी का फायदा उठाने की कोशिश की। ये देखिए सर, सर ये पानी में डूब रही थी। मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो मैंने डूबने देता या मैं इनके होश में आने का इंतजार करता ताकि पूछ सकूं कि मैडम क्या मैं आपको टच कर सकता हूं जिससे मैं आपकी जान बचा पाऊं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पानी में मुझे उसका जवाब मिलता, तो सर मैंने इनकी जान बचाना ही सही समझा। और अगर किसी की जान बचाना क्राइम है तो आप मुझे अरेस्ट कर सकते हैं सर। दे दीजिए मुझे मेरी किए की सजा। इस लड़की की जान बचाकर तो तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ये पैम्पलेट छपवाकर इस लड़की की जो तुमने इन सबके सामने इज्जत नीलाम की है वो गलत किया तुमने, और इस बात की सजा तुम्हें मिलेगी। एक सेकेंड, अब सिट को ऐसे कहीं नहीं ले जा सकते। हाँ नहीं ले जा सकते।
आशी को जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मैं सिद्ध को अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसी गिरी हुई हरकत कभी कर ही नहीं सकता। हाँ सर, सिद्ध कभी ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकता जिससे किसी लड़की की इज्जत पर सवाल उठे या उसे शर्मिंदगी महसूस हो। हाँ सर, ये सब सही कह रहे हैं। सिद्ध कॉलेज का सबसे अच्छा लड़का है। आशी, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। सर, सिद्ध ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता। बस ये सोचने का काम अब हमारा है। और जानते हो ना तुम सब कि पुलिस के काम में दखल देना कानूनन जुर्म होता है। अब अगर तुम में से किसी ने चूचपड़ की ना तो सबको धर के ले जाएंगे हम। सर, ये आपके काम में बिल्कुल दखल अंदाजी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके पास क्या प्रूफ है कि मैंने ये पैम्पलेट बनवाए हैं? आप प्लीज प्रूफ लेकर आइए, मैं खुद आपके साथ चलूंगा। देखिए मैडम, यहाँ आपके अलावा कोई भी इस बात से सहमत नहीं है कि ये लड़का इतनी गिरी हुई घटिया हरकत कर सकता है। और उस वीडियो में भी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये आपकी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। आपको गलत तरीके से छूने का इसका कोई इरादा नहीं था। और रही बात इस टेम्पलेट की, तो हम पता लगाते हैं कि ये किसका काम है, उसके बाद ही हम किसी नतीजे पे पहुंच पाएंगे। कहीं पुलिस को पता तो नहीं चल गया कि कांड तुमने किया है? अरे भैया, ऐसे कैसे पता चल जाएगा पुलिस वालों को? टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। सैनी जी, छोड़ दीजिए इसे। बिना किसी सबूत को तो हम इसको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं ना। दिमाग खराब हो गया क्या? तुझे अंदाजा भी है तू क्या करके आई है आज? तूने पुलिस बुलाई थी सिद्ध को अरेस्ट करने के लिए, आखिर चल क्या रहे तेरी खोपड़ी में? हमने जो किया वो आपको गलत लग रहा है? जो सिद्ध ने किया वो पूरे कॉलेज में उसने हमारे लिए पैम्फलेट बंटवा दिए वो। हे भगवान, सिद्ध ने कोई पैम्फलेट नहीं छपवाई। वो ऐसी घटिया हरकत कभी कर ही नहीं सकता। तुम्हारे साथ तो क्या, वो ऐसी घटिया हरकत कभी किसी के साथ नहीं कर सकता, गारंटी ले लो। तुम्हें पता है कॉलेज में पुलिस बुलाकर तुमने पूरे कॉलेज से दुश्मनी मोल ली। जो काम हम इतने सालों में नहीं कर पाए वो अब उस लड़के की वजह से होगा। अब ये आशी का कॉलेज जाने का ड्रामा हमेशा के लिए खत्म करवा कर ही दम लेंगे। लग गई अमृता की नजर। अरे यार, ऐसे मत बोलो ना विद्या दी, कुछ नहीं होगा। आशी, तुम्हें काम करना, तुम ना एक 10-15 दिनों तक कॉलेज ही मत आना। जब सब बात ठंडी हो जाएगी एक दो हफ्ते में, उसकी बात तुम कॉलेज आना, ठीक है? राइट। इतना चिंता जहर क्यों? आशी कॉलेज क्यों नहीं जाएगी? जब इसने कुछ गलत किया ही नहीं है तो कॉलेज क्यों नहीं जाएगी? जरूर जाएगी कॉलेज। हम नहीं जानते माँ ये सब कैसे हुआ, कब हुआ, बट अगर बाबा को बात पता चल गई ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बाबा को हर बात बतानी जरूरी है क्या? बाबा को बहुत टेंशन है बेटा। और कितने कामों का टेंशन है, अब इस बारे में भी सोचेंगे तो टेंशन बढ़ जाएगी ना उनकी। पर माँ वो ये बात बताने की कोई जरूरत नहीं है। अरे विद्या, तुम्हारी ब्यूटी स्लीप का टाइम हो गया बेटा, जाओ सो जाओ। थैंक यू मॉम, ओनली यू कैन डू। डफर, जा। गुड नाइट। आज तो जय श्री राम भी नहीं बोली, चुपचाप चाय रखी और चली गई। आशी। जी बाबा। यहाँ। बाबा वो मैं कॉलेज के लिए लेट हो रहा था तो। क्या हुआ क्या? कुछ नहीं बाबा। यहाँ बैठो।
बैठो बेटा। अब बता क्या बात है? बो। बाबा सच में कुछ नहीं हुआ है। देख, मैं तेरा बाबा हूँ, तू मुझसे छुपा रही है। बाबा बता, पता क्या बात है बेटा? पर अगर बाबा को बात पता चल गई ना तो नानी क्या हो जाएगा? बाबा को हर बात बतानी जरूरी है क्या? बाबा को कितने कामों का टेंशन है, अब इस बारे में भी सोचेंगे तो टेंशन बढ़ जाएगी ना उनकी। बाबा सच में कुछ नहीं हुआ है, हमें सही में कॉलेज के लिए बहुत लेट हो रहा है, बस इसी चीज का टेंशन था। और आपको तो पता है ना, आपकी आशी किसी से भी नहीं हारती है। चलिए अभी सही में कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, हम जाते हैं, ठीक है? जाओ जाओ। जय श्री राम। जय श्री राम। काकी हम कॉलेज जाके आते हैं। कॉलेज पूरा खाली क्यों है? कहाँ गए सब लोग? रचना को फोन करते हैं। फोन क्यों नहीं उठा रही? क्या हुआ होगा? पूरा ही कॉलेज खाली है। क्लासरूम भी खाली है। निधि और रचना को कॉल करते हैं। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? सिट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिट क्या कर रहे हो तुम? सिट देखो, हमारे पास मत आना। सिट सिट क्या कर रहे हो तुम? ये से ये सब क्या कर रहे हो तुम? सर ये सब तुम नहीं कर रहे हैं ना, तुम क्या रहते? तुम जो चाहोगे वो कर लोगे। कॉलेज में सब तुम्हारी बात मानते हैं ना, सब डरते जो है तुमसे, वरना तुम जैसे लड़के के लिए क्यों मैं पुलिस के सामने स्टैंड लेता? पर हम तुमसे नहीं डरते सर। तुमने जो हमारे साथ बिहेवियर किया ना, तुम्हारे चीफ बिहेवियर के लिए हम तुम्हें एक क्या 1000 थप्पड़ भी मारे ना तो भी कम है। हम तुमसे नहीं डरते सर। सिर्फ हमारे पास बताओ, सिर्फ बोल हमसे दूर हो जाओ, सिर्फ पास बताओ हमारे से, दूर हो जाओ हमसे सिर। सिर्फ हमारा दुपट्टा दे दो हमको, सिर्फ दुपट्टा छोड़ो हमारा।
हाथ जोड़ो मेरे से, हाथ जोड़ो हमारा सर, हाथ जोड़ो। डर लगा? लेकिन अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी तो मैंने तुम्हें गंदी तरह छुआ भी नहीं। अब तुम्हें समझ आया जब किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है उसे कैसा लगता है, जब बात किसी की इज्जत पे आती है तो उसे कैसा लगता है, समझ आया? और नाम, इज्जत, बदनामी से लड़की की होती है, लड़के की नहीं होती। दिल क्या सिर्फ लड़की का दुखता है, लड़की का नहीं। उस दिन मैंने तुम्हें बचाया था और तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया, फिर वो पोस्टर, वो पैम्पलेट, और तुमने बिना सच जाने पुलिस भी बुला ली। तुमने एक पल के लिए भी सोचा अगर मैंने कुछ नहीं किया होगा और मुझे सजा मिलेगी तो मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मेरी तो पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी? एक पल के लिए भी सोचा अगर मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स को पता चलेगा तो उन्हें कैसा लगेगा, सोचा? और किसी लड़की के साथ गलत करूं, इट्स नॉट माई स्टाइल। और अब वो पोस्टर्स मैंने नहीं छपवाए, वो तुमने छपवाए हैं या किसी और ने, ये तो मुझे भी पता करना है। और जिस दिन मैंने पता कर लिया उस दिन बात करेंगे हम। आशी, सॉरी यार, इन लोगों ने फोन उठाने ही नहीं दिया। आशी तू ठीक तो है ना? घर चल। आशी जी रुकिए, अरे रुकिए ना आशी जी, जो कुछ हुआ उसको भूल जाइए, ज्यादा दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, रोना बंद करिए। आशी जी रोना बंद करिए, क्या हुआ? हाथ कैसे लगाया तुमने हमें? तूने नाम से उन्हें तुम्हारी हाथ और हिम्मत दोनों तोड़ के रख देंगे। दिल क्या सिर्फ लड़की का दुखता है, लड़के का नहीं। एक पल के लिए सोचा अगर मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स को पता चलेगा तो उन्हें कैसा लगेगा, ये लड़का आंधी की तरह हमारी जिंदगी में आया और हम
हमारी जिंदगी को तूफान बना दिया, हमें सबके सामने तमाशा बना दिया, हमारी किस्मत, हमारी कायनात बदल के रख दी। नफरत हो गई हमें इस लड़के से। आई विश ये लड़का हमारी जिंदगी में अब कभी ना आए, हमारी किस्मत इससे कभी ना टकराए। आशी जी सॉरी, गलती होगी। आशी आशी सुनिए, जो हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। आशी हम आपकी मदद करना चाहते थे, हम नहीं ये सब जानते कि ये सब किसने किया और कैसे किया, बस इतना कह सकते हैं कि आप जाके सिड को सॉरी बोलिए, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अरे वो अच्छा लड़का है, ये जिसने भी किया है हम उसको धूल चका के रहेंगे, हम उसको तुम्हारे पैरों के नीचे ला के रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। लेकिन एक बार जाके सिड को सॉरी बोल दो। बिल्कुल भी नहीं आशी, एक बार जाके उसको सॉरी बोल दो और ये मामला वहीं रफा दफा कर दो। माना कि तुम हमें अपना दोस्त नहीं मानती हो, लेकिन हम पे इतना भरोसा तो कर ही सकती हो ना कि हम तुम्हारा कुछ बुरा नहीं चाहेंगे। आज स्टूडेंट काउंसिल की मीटिंग है शाम को हॉल में, आज सबके आगे सेठ को सॉरी बोल दो और ये मामला वहीं निपटा दो। संदीप हमसे सेठ से बार बार माफी मांगने के लिए क्यों कह रहे हैं? ओए, वहाँ कॉलेज में इतना सब कुछ हुआ और यहाँ पर तू अपने नेल्स पॉलिश कर रही है। इसे कलर थेरेपी कहते हैं। ये मेरा तरीका है टेंशन कम करने का। अगर आशी का ऐसे ही ड्रामा चलता रहा ना, तो मुझे मानसिक थेरेपी जरूर लेनी पड़ जाएगी। फैशन की ये चलती फिरती दुकान तो बंद ही हो जाएगी। क्या चल रहा है भाई? हमारी दोनों बेटियाँ क्या बातें कर रही है, हमें भी तो बताओ। कुछ नहीं मॉम। तुम दोनों कॉलेज से तो आ गई, लेकिन वो महारानी कहाँ है? आशी, अरे भाई क्या बातचीत चल रही है, क्या हो रहा है? कुछ नहीं डैड, मॉम पूछ रही थी कि आशी अभी तक क्यों नहीं आई और हम लोग इतनी जल्दी क्यों आ गए कॉलेज से। वो एक्चुअली अपने प्ले की रिहर्सल्स के लिए रुकी थी, जैसे ही खत्म हो जाएगी आ जाएगी। और लेकिन प्ले की रिहर्सल खत्म करके वो अब तक आ जाती है, आई क्यों नहीं अभी तक? मैं फोन ट्राई करता हूँ। हेलो। हाँ आशी बेटा, कहाँ हो तुम? जी बाबा, वो आज ना स्टूडेंट काउंसिल की मीटिंग है, हम थोड़ी देर में घर पहुँच जाएंगे। ठीक है बेटा, ध्यान से आना। हाँ वो एक्चुअली उसके स्टूडेंट काउंसिल की मीटिंग है, वो अटेंड करके आएगी। उस मीटिंग में तो तुम दोनों को भी जाना था। बाबा हम दोनों सारे इम्पोर्टेंट मीटिंग्स के लिए हमेशा रुकते हैं, लेकिन आज ना ऐसी कोई मीटिंग थी ही नहीं। आपकी लाडली आशी ना आपसे झूठ कह रही है। हमारी आशी हमसे झूठ नहीं बोल सकती। इस आशी के बहुत पर निकल आए हैं, पता नहीं अब कौन सा गुल खिलाने वाली है। ये सब क्या है संदीप? ये रोजेस, कैंडल्स, बलून्स और बाकी सब लोग कहाँ पे? यहाँ पे तो कोई भी नहीं दिख रहा। अरे आशी जी, वो सेजल वाले ग्रुप का ना रोमियो जूलियट का प्ले होने वाला है, तो उसकी रिहर्सल करने वाले हैं, इसलिए ये सब। रुकिए, हम फोन करके देखते हैं ना, एक बार ट्राई करते हैं। कमबख्त ये मोबाइल, जब देखो इसका नेटवर्क ही चला जाता है। आशी जी जरा अपना फोन दे दीजिए। अरे एक बार हम ट्राई करके देखते हैं। दीजिए प्लीज। मैंने इस मोबाइल को फ्लाइट मोड पे डाल दिया है, अब कोई कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, मेरा रास्ता साफ है। अरे कहाँ हो तुम लोग? हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे। आशी जी अपना फोन लीजिए। सब आती होंगे, अभी जस्ट बात की हमने। आइए बैठिए। तो नहीं, हम ठीक है। आशी ने इतना बड़ा झूठ बोला, ऐसे कैसे? आशी को फोन लगा कर देखते। फोन बंद आ रहा है इसका, कमाल है। महारानी अपना फोन बंद करके बैठी हुई है, क्या बात है। हेलो। अरे कहाँ हो तुम लोग? अरे आशी तुम्हारी बहन कॉलेज में रोमांस कर रही है, वो भी बंद कमरों में। क्या?
वो आशी। क्या हुआ? कहाँ रह गए सब? आशी जी सब आती होंगे, हमने तो आपके फोन से अभी तो बात की थी थोड़ी देर पहले। ये गेट कैसे बंद हुआ? क्या हुआ, नहीं खुल रहा क्या दरवाजा? लाओ रुको, एक बार हम ट्राई करते हैं। अरे लगता है हवा से जाम हो गया होगा इसलिए नहीं खुल रहा है। रुको संदीप, पीछे हटो। वैसे तो बड़ी भोली भाली सीधी सादी बनती है, पर आज तो ये भी कांड कर गई। सब क्या हो रहा है विकास? जो होना था वो हो गया। संदीप और आशी दोनों अकेले कमरे में। बाबा, आप लोग, संदीप, बाबा कहा कि आप लोग जैसे समझने में ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ है। अरे आशी एकदम सही कह रही है, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अरे आप लोग गलत मत समझिए, हमारे बीच में प्यार व्यार कुछ भी नहीं है। ये सब की बात, ये सब तो एक फन था, ये तो आजकल नॉर्मल है ना? संदीप, संदीप ये क्या बोल रहे हो तुम? बाबा काकी ये झूठ बोल रहे हैं, हम लोगों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। संदीप तुम, बाबा हमारा विश्वास कीजिए, काकी हमारे बीच में कुछ भी। बात सुन लिया, अब और कुछ देखना सुनना बाकी है? तूने नाम से वो तुम्हारी हाथ और हिम्मत दोनों तोड़ के रख देंगे। जरा सा हाथ क्या लग गया था हमारा, तुमने तो हमें धक्का ही दे दिया था, अब ये हमारा धक्का भुगतो हैं? अब आपकी इजाजत हो तो घर चले, हमें और कंध में नहीं रहना। काकी, बाबा हमारा विश्वास कीजिए, बाबा ये झूठ बोल रहे हैं। बाबा आपने जो देखा वो कुछ सही नहीं था, बाबा हमारा विश्वास कीजिए, काकी प्लीज हमारी बात तो सुनिए एक बार। बाबा हमारी बात सुनिए, हमने कुछ भी गलत नहीं किया, वो संदीप, संदीप झूठ बोल रहा है, वो हमें अपने जाल में फंसा रहा है, फंसे जा रहे हैं, काकी प्लीज, काकी प्लीज हमारी बाबा। आपको हमारी कसम, इस लड़की की तरफ एक कदम मत बढ़ाना, बहुत बेइज्जत कर चुकी है हमें, हम अपनी और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप चलिए यहाँ से। बाबा, बाबा। अरे अकेले एक लड़के के साथ एक कमरे में थी और बोलती है कुछ नहीं किया, अंदर के आरती उतार रहे थे तुम लोग,
अरे सिर्फ फन के लिए था तो हमने कौन सा गुनाह किया? ऐसी लड़कियों की वजह से हमारा नाम भी खराब होता है। मत बढ़ाना, दहलीज पार करने की हिम्मत मत करना। कैसी लड़की हो तुम? इतना बड़ा कांड करने के बाद भी हिम्मत कैसे होती है तुम्हारी अपनी मनुष्य शक्ल लेकर यहां आने की? तुम जानती हो हमने क्या कुछ नहीं किया है तुम्हारे लिए। तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है ये जानते हुए भी कि तुम्हारी वजह से हमारा बेटा गुना। वजह से हमारा बेटा पानी में बहकर हमने फिर भी तुम्हें हमने इस घर में रखा है और तुमने क्या किया हमारे लिए? हमें बदनामी के सिवा और कुछ नहीं दिया। गाली पोत दी तुमने हमारे। तुम्हें ये सब करने से पहले इस परिवार के बारे में एक बार नहीं सोचा? एक बार नहीं लगा कि हमारी इज्जत के बारे में क्या? अब इससे पहले कि मैं कुछ और कर बैठूं, निकल जाओ इस घर से। मैंने कहा निकल जाओ, अपना सामान उठाओ और चली जाओ यहाँ से। अमृता, तुम ऐसे कैसे निकाल सकती हो? कहाँ जाएगी बिचारी? कहीं भी जाए, अपने बाप के पास वापस चली जाए। और अगर बाप के पास वापस जाने में शर्म आती हो तो उस लड़के के पास चली जाए जिसके साथ कुल झड़े उड़ा रही थी तुम। अच्छा, मैं तो भूल ही गई, उस लड़के के पास भी नहीं जा सकती तुम। उसने तो साफ साफ कहा है ना कि ये सब प्यार का रिश्ता नहीं है, मजे ले रहे थे तुम दोनों, छिछोरापन कर रहे थे दोनों। कतई सेर, आप कहां जा रहे? आप समझ क्यों नहीं रहे इस लड़की ने झूठ बोला है आपसे? ये कोई मीटिंग में नहीं गई थी। हमने हमारे सर की कसम खाई थी ना कि इसे और कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन देखिए इसने हमारे परिवार की जरा सी भी कदर की। क्या बोल के गई थी स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग? उस लड़के के साथ काउंसिल मीटिंग में अपनी ही पिक्चर बना रही थी। छी, अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। संदीप भैया, हमें एक बात नहीं समझ में आई, आप तो यासिर से प्यार करते थे ना, तो फिर आपने उसके साथ ऐसा काहे किया? मोहब्बत तो आज भी मुझसे बहुत करता है, उस पे तो 100 जान कुर्बान है। कुछ अलग सा ही है उस लड़की में, ऐसा कुछ कॉलेज में किसी लड़की में नहीं है। अरे आशी को पाने के लिए हम क्या कुछ नहीं किए, लेकिन वो लड़की इतनी जिद्दी, इतनी घमंडी, तो हमने आज उसको ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। अब सारे लड़के उससे दूर भागेंगे, उससे नफरत करेंगे, उसको बेशर्मी की नजर से देखेंगे।
एक एक बॉक्सिंग मैच हो जाए? नहीं यार, अभी बन नहीं है, ना किसी मैच का ना किसी कैच का। क्यों, हारने से डर गए? आजा मैदान में, हो जाए एक एक। चलो संदीप। अरे वाह संदीप भैया, आज तो तुम जीत ही गए। वो कहावत है ना, 100 सोनार की और 1 लोहार की, इतने सालों बाद फाइनली तुमको हरा ही दिया। क्या बात है, तो आज सैंडी के जीतने की खुशी में पार्टी हो जाए। हो जाए। आज स्टूडेंट काउंसिल की मीटिंग है शाम को हॉल में, आज सबके आगे सेट को सॉरी बोल दो और ये मामला वहीं निपटा दो। बहुत बेइज्जत कर चुके हैं हमें, हम अपनी और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप चलिए यहाँ से, अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। आशी बेटा, जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत दुख है बेटा। बाबा, हम जानते हैं कि अब आपको हम पे भरोसा नहीं है बेटा, लेकिन हम झूठ नहीं बोल रहे बाबा। बाबा हम कॉलेज गए थे और कॉलेज में जाते से हमने देखा वहां पे कोई भी नहीं था। संदीप ने हमको रूम के अंदर बुलाया कि कुछ मीटिंग है, हम सबके लिए वेट कर रहे थे और हमें पता भी नहीं चला बाबा संदीप ने कब गेट अंदर बंद कर लिया और आपके आते से। आज का ये जाम संदीप भैया के नाम। यार संदीप, जो तूने लास्ट में पंच मारा है ना, कसम से कह रहा हूँ जबड़ा अभी तक दर्द कर रहा है। लगता है आज तक तुमने कभी किसी का पंच ही नहीं खाया है। ऐसी मार तो मैंने बचपन में भी नहीं खाई, कमीना तो मैं पहले से हूँ, वो अलग बात है कि किसी को पता नहीं चला। ओ क्या बात कर रहे हो भाई, अरे कमीनापन कमीनापन तुम्हारे अंदर कैसे हो सकता है? अरे पूरा कॉलेज तो तुम्हें बहुत अच्छा मानता है, तुम हीरो हो कॉलेज के, हीरो। अच्छा भी हूँ लेकिन बदमाशियाँ तो मैंने भी खूब की है, वो कहते हैं ना छुपा बदमाश। तुमने की होंगी बदमाशियाँ लेकिन हमसे बड़ा बदमाश कोई है ही नहीं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर दुनिया कमीनी है तो हम कमीनों के सरदार। तुम अभी तक मुझे नहीं जानते ना, इसलिए तुम अपने गीत गाए जा रहे। मेरी नफरत, मेरी चाहत, मेरी फितरत तुम्हें पता नहीं है ना, वो इसलिए तुम अपने गीत गा रहे। क्या बात कर रहे हो, चल एक गेम खेलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अपने कांड बताना। मैं अपने कांड बताऊंगा, जिसके कांड ज्यादा बड़े होंगे वो ज्यादा बड़ी सोच लेगा। ये हुई ना बात। चलो, हमने एक बार दवाई के बहाने बंद स्टोर से दारू निकलवाई थी। और वो दारू किसके लिए आई थी? हमारे लिए। बस इतना चुटर पुटर सा कांड। अरे हमने तो अपने प्रोफेसर की बेटी के साथ टन टनाटन टन टन तारा किया था, बहुत मजा आया था, गजब हो गया था। वाह भाई वाह। बाबा हम आपका घर में, बाबा हम कभी सपने में भी कुछ ऐसा करने का नहीं सोच सकते जिससे आपको और काकी को कोई दुख हो। कोई कभी हम पे उंगली नहीं उठा सकते बाबा। आप हमारे बाबा हैं, लेकिन
हमारे लिए आप हमारे भगवान हैं। ये जो भी सब कुछ हो रहा है ना, ये सिद्धार्थ की वजह से हो रहा है। जब से उस दिन उसने हमें पानी में डूबने से बचाया, उससे हमारे साथ कुछ न कुछ हादसे हो ही जा रहे हैं। अब हमारा एक और कांड सुनो। बचपन में जब लड़कियां तालाब में नहा रही थी ना, उनके कपड़े लेकर भाग गए थे। तेरे इस कांड ने संदीप भैया के पिछले सारे कांड को हवा कर दिया। भाई भाई, सच में तू बहुत बड़ा कमीना आदमी है। क्यों मनीष? बढ़िया पैम। आज का मैच तुम बेशक जीत गए संदीप, लेकिन कमीनेपन में मुझसे हार गए। सही बात है। ऐसा है कि तुम लोग हमें जानते ही कहाँ हो। तुम लोग अगर कांड करते हो तो हम खुद ही में एक कांड है, ताजा ताजा कांड सुनाएंगे। जो कांड, वो महान कांड जिसमें हमारे इस कमीनेपन ने आशी को कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। वो कांड, वो महान कांड किसने किया है? हैं? किसने किया है? हमने किया है, हमने। है ये लड़की, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। तुम आप इस लड़की को दोबारा इस घर में ले आए? अरे हमारी दो जवान बेटियां हैं, इसके साथ रहेंगी तो लोग इन्हें भी उसके जैसा समझेंगे। कांड ये करेगी, सजा इन दोनों को मिलेगी। अमृता, तुम गलत सोच रही हो। हमें आशी पे पूरा भरोसा है, उसने कुछ गलत नहीं किया। इसने दो आंसू बहाए, चार चिकनी बातें कर ली, आपको इस पर भरोसा हो गया? कमाल है अमृता, एक औरत होकर तुम दूसरी औरत की पवित्रता पर सवाल उठा रही हो। अरे हर बार अखनी परीक्षा औरत ही क्यों दे? हर बार उंगली औरत में ही क्यों उठे? अमृता, ये हमारी बेटी है, हमारे हाथों में पली बड़ी है, और हमने इसे जो संस्कार दिए हैं, हमें उन संस्कारों पर पूरा भरोसा है कि हमारी बेटी कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। आप जितनी भी बातें घुमा ले, मेरे जीते जी ये लड़की इस दहलीज के पार नहीं आएगी। हम अपनी इज्जत का पोस्टर नहीं बनने देंगे। वो जो पोस्टर था ना, जिसके वजह से इतना बवाल मचा था, इतना हल्ला मचा था, आशी के कैरेक्टर पे सवाल उठे थे, वो महान कांड हमने किया है। आज स्टूडेंट काउंसिल की मीटिंग है शाम को हॉल में, आज सबके आगे सेट को सॉरी बोल दो और ये मामला वहीं निपटा दो। वाकई में तू बहुत कमीना निकला थे। तेरे उस कांड के चक्कर में तो आशी मुझे जेल की चक्की भिसवाने वाली थी। दिल पर मत ले यार, और अगर बुरा लगा तो सॉरी, पर हम का करें। वो आशी
हमारे दिल को भा गई, दिमाग पर चढ़ गई। इतना प्यार करते हैं उससे हम, हमें उसकी इतनी प्यास, मगर वो हमें घास तक नहीं डालती। क्या कुछ नहीं किया उसके प्यार में। मैं लगा कि ऐसे उसको सबके सामने बेइज्जत करेंगे तो रोते रोते आएगी हमारे पास और हम बन जाएंगे उसके देवदास, मगर कमबख्त पारो आई नहीं। वो ऐसे लड़कों से भागती है जैसे उसको करंट लगता हो। कोई नहीं भाई, मैंने हम सबका बदला ले लिया उससे। अब वो देती रहे अपने पवित्रता का सर्टिफिकेट, कोई उसका भरोसा नहीं करेगा। हमने तो ऐसी हवा में हल्ला मचा दिया था और ये सारा जाल, ये महान कांड हमने किया है। हमने एक डायलॉग है, थोड़ा सा फिल्मी है, मगर वो लड़की गंगा की तरह पवित्र है। अब देखेंगे कि वो इस दाग को कैसे मिटाएगी। अब तो तू मान गया ना, तेरा भाई कितना बड़ा कमीना है। अरे मान गए कि नहीं माने। आज अगर ये लड़की इस घर में आई तो गजब हो जाएगा, हम जान दे देंगे अपनी। मॉम, डैड, ये देखिए। थोड़ा सा फिल्मी है, मगर वो लड़की गंगा की तरह पवित्र है। हम पहले ही जानते थे कि हमारी आशी कभी गलत नहीं हो सकती, कभी नहीं। हमने क्या, सबने देख लिया तेरा कांड। अब देख मैं क्या करता हूं। इसी लड़की के साथ ऐसी हरकत करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? बोल, जवाब दे। तेरी इस एक झूठ की वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद हो गई, बेचारे की इज्जत सबकी नजरों में गिर गई। इतना नीचे कैसे गिर सकता है तू? देखा आशी, हमने कहा था ना, सिर्फ बुरा लड़का नहीं है। उसने ना कभी तुम्हारे साथ गलत किया, ना ही कभी कुछ कर सकता है। उसने तुम्हारी जान बचाई और आज तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए ये सब भी किया। तुमने उसको थप्पड़ मारा, अरेस्ट कराने के लिए पुलिस भी बुलाई, फिर भी उसने तुम्हारी इज्जत पर लगा दाग आज साफ किया। चलो घर आओ, चलो। मॉम, चलो। देख, ये वाला जो प्रोजेक्ट है ना, इसको इस वेबसाइट पे अपलोड करना है। जो कुछ भी हुआ, पता नहीं उस लड़की पे क्या बीत रही होगी, लेकिन जो उसने मेरे साथ किया वो भी तो ठीक नहीं था। फिर भक्कर भाई कितना घूरेगा, यही आ रही है वो। सिड, वो आशी बोला, सिड, वो तुमने हमारे लिए जो सब कुछ किया उसके लिए थैंक यू।
हमने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए सॉरी। तुम्हारी जगह अगर कोई और लड़की भी होती तो मैं उसके लिए वही करता जो मैंने तुम्हारे लिए किया। इनफैक्ट किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता तो मैं उसके लिए भी आवाज उठाता, लड़ जाता उसके लिए। लेकिन जो तुमने मेरे साथ किया उसके लिए मैं तुम्हें माफी नहीं दे सकता। तो जितना हो सके मुझसे दूर रहो तुम, समझी? चल विकास। ओहो, एंग्री यंग मैन। वो भले ही तुझे दूर रहने के लिए बोल कर गया पर कुछ तो बात है, तभी तो उसने तेरी इतनी मदद की। हीरो पहले हीरोइन को बचाता है, थोड़ी नोक जोक होती है, वहीं से तो नई लव स्टोरी की शुरुआत। बस कर रचना, पागल हो गई क्या? कुछ भी बोले जा रही है तू, ऐसे किसी के साथ भी हमारा नाम जोड़ देगी क्या? रचना तुम तो जानती हो ना कि हमारी जिंदगी की डोर किसी और के साथ जुड़ चुकी है। तुम इस शादी को दिल से मानती हो? हमें ये सब नहीं पता रचना, हम बस इतना जानते हैं कि हम 9 साल के थे जब हमारी शादी हुई थी। हमारा ये जो रिश्ता है ना, ये है असली रिश्ता, हमारे मामा के साथ। हमारे मामा ने हमें अपने घर में रखा, हमें पाल पोस कर बड़ा किया, हमें सहारा दिया। हम उनकी इज्जत में आज नहीं आने दे सकते रचना। आज अगर हम यहाँ हैं, हम इस कॉलेज में खड़े, तो वो हमारे बाबा की बदौलत है। हमारे बाबा ने हमें हाथों में सरस्वती दी, हमें घर में लक्ष्मी का दर्जा दिया, हमें जमीन दी, छत दी, अपना नाम दिया, परिवार दिया, प्यार दिया। हम अगर अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं ना, तो वो अपने बाबा को गर्व दिलाने के लिए करना चाहते हैं, शर्म के लिए नहीं। हम चाहते हैं कि हम पढ़ लिख कर कुछ बने, अपने पैरों पर खड़े हो, ताकि हमारे बाबा का सर गर्व से ऊंचा हो। हमारे बाबा ने भी हमें इतना प्यार नहीं दिया जितना हमारे ये बाबा ने हमें दिया है। हम इस घर की बहू जरूर है, पर उन्होंने हमें अपनी बेटी से भी बढ़कर माना है। भले हम इस घर में पैदा नहीं हुए, पर हम अपनी आखिरी सांस तक अपने बाबा के साथ रहेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, उन्हें कभी किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने देंगे। वो है तो हम है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं, वो हमारे भगवान है। लैपटॉप से क्यों लड़ रही हो? इसको तो छोड़ दो। क्यों नहीं लड़े बाबा? आप एक बात बताइए, हम सुबह से काकी के लिए एक सुंदर सी साड़ी देखने की कोशिश कर रहे हैं, और ये लैपटॉप है जो हमें एक ढंग की साड़ी नहीं दिखा रहा है। और एक तो ना हमें ऑनलाइन शॉपिंग कभी समझ में नहीं आई, मतलब ना उसमें कलर समझ में आ रहा है, ना मटेरियल समझ में आ रहा है, कुछ ऑर्डर करो कुछ का कुछ आ जाता है। और आप ही बताइए ना, काकी की स्किन बहुत सॉफ्ट है, अगर हमने कुछ ऐसा ऑर्डर कर दिया जिसका मटेरियल हार्ड हुआ तो काकी को रैशेस आ जाएंगे। तू अपने परिवार के बारे में कितना सोचती है ना बाबा। एक बात बताओ, ये हमारा भी तो परिवार है ना, अगर हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? वो बेटा, हमें निधि ने बताया जो कुछ भी कॉलेज में हुआ। बाबा उस दिन कॉलेज में जो हादसा हुआ, हम नहीं जानते वो सब कैसे हुआ, पर हम जानते हैं कि आपको और काकी को उससे बहुत दुख हुआ है, और हमें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बिटिया, हमारी भी एक बात अच्छी तरह समझ ले, तू जिस रिश्ते में है ना, उसका कोई भविष्य नहीं है बेटा, और जिस रिश्ते का कल ना हो उसके लिए तुम वो अपना आज क्यों खराब करती है? बाबा हमारा अतीत, हमारा आज और हमारा होने वाला कल सब आप और काकी हैं। हमारी जिंदगी है आप दोनों, हमें बस जिंदगी में आपको बहुत सारी खुशियां देनी है। आप खुश हैं तो हमारे चेहरे पे मुस्कान अपने आप आ जाएगी। खुश रहो,
कहाँ जा रही हो जाने मन? होय होय होय। ओहो, क्या लग रही हो, मॉडल हो गया। हेल्प, हेल्प, बचाओ। अब कौन बचाएगा? विद्या, माँ, माँ यहाँ कहाँ से आ गई? विद्या, उठना। क्या बड़बड़ा रही है? चल, उठ, उठ जल्दी। माँ, क्यों उठाया मुझे अभी? थोड़ी देर और सोने दो ना। कितना सोगी? कितने सपने देखोगी? ये कोई सपने देखने का टाइम है? उठो। ओहो माँ, पता है सपने में वो आया था। क्या सुपर हीरो की तरह उसने एंट्री की? क्या मारा है गुंडों को उसने? ये डशू, वो डशू, ले पटाक, ले झटाक। मजा ही आ गया लाइव एक्शन देखकर। चल बेटा, सब वेट कर रहे हैं तेरा, उठना चल। लेकिन कहाँ माँ? चलना, हम जो कह रहे वो करो, उठो। लेकिन कहाँ? किसके सपने देख रही थी? कौन आया था तेरे सपनों में? हाँ, आपके दामाद के मम्मी। बट आपने ना मुझे बहुत गलत टाइम पे उठा दिया। सपने में मैं बस उसका फेस देखने ही वाली थी कि आप आ गई। ये क्या खीखी खीखी लगा रखा है? किसी को प्रॉब्लम है क्या मेरे सपने से? नहीं नहीं नहीं, तेरे सपने में कोई आए ये प्रॉब्लम नहीं है, पर तू किसी के सपने में जाए ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बेचारा सपने वाला। ऐसा मत बोलो, मेरी विद्या जिस घर में जाएगी ना, उस घर को स्वर्ग बनाएगी। स्वर्ग बना देगी या स्वर्ग पहुंचा देगी? हाँ बाबा। कितनी बार कहा है मुझे विद्या मत बुलाया करो, वी बुलाया करो वी। और बाबा, आप क्या हमेशा इनकी साइड लेते रहते हो? आशी, मेरी ब्लैक कॉफी कहाँ है? हाँ एक मिनट। अरे कॉफी वॉफी बाद में, अभी उठो। चलो उठो जल्दी, तैयार हो जाओ। मॉम आज संडे, आज मुझे कहीं नहीं जाना। हाँ? आज मैं यहीं चल करूंगी। हाँ हाँ, हम जानते हैं आज कॉलेज नहीं है, लेकिन आज लड़के वाले आ रहे हैं हमारी महारानी साहिबा को देखने। अरे तुम्हारा सपनों का सुपर हीरो इस फैशन की दुकान को देखने आ रहा है आज। मॉम मुझे अभी शादी वादी नहीं करनी, इनफैक्ट मैं तो अभी किसी से मिलना भी नहीं चाहती। अभी तो सुपर हीरो के सपने देखे जा रही थी, सपना सच्चाई में बदलने लगा तो डर गई। कतई जहर? मॉम वो सपना था, आप तो सीरियस हो गई। भाई हम कुछ नहीं सुनना चाहते, हमने जो कह दिया सो कह दिया। मृतक कैसी बात कर रही हो, अभी इसकी उम्र ही क्या है? और हमारे बेटे की क्या उम्र थी? 9 साल, बस 9 साल का था जब आपने इस मनहूस के साथ उसकी शादी करा दी। बस 9 साल का था हमारा बेटा जब वो हादसा हुआ था, जिसमें आपने इसको बचाने के चक्कर में हमारे बेटे की बलि चढ़ा दी। तब आपको हमारे बेटे की उम्र छोटी नहीं लगी? एक तो बिन मर्जी उसकी शादी करा दी आपने, और फिर ये मनहूस 7 फेरे लेते ही हमारे बेटे को खा गई। बेटा तुम बार बार एक ही बात क्यों कहती रहती हो? हाँ तो क्यों ना कहूँ ये बात? कॉलेज में कम तमाशा किया इसने, देखा ना कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई है कॉलेज में। और गलती किसी की भी हो, हम नहीं जानते और जानना भी नहीं चाहते, लेकिन नाम तो आशी का उछला है ना, गलती तो इसकी मानी जा रही है। समाज वाले जो है ना, गलती किसी की भी हो दोषी एक लड़की को ही ठहराएंगे। और अब इससे पहले कि इसकी वजह से हमारा नाम खराब हो, हम अपनी दोनों बेटियों की शादी करवा देना चाहते हैं। बस सुनो, जब लड़के वाले आएंगे ना, सामने मत आना उनके। हाँ? लेकिन क्यों माँ, हम क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि तुम हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ करती हो, यहाँ वहाँ घिरती पड़ती रहती हो। पर माँ हम वैसे नहीं करेंगे। माँ चुप रहो तुम। और तुम, हम नहीं चाहते जब लड़के वाले घर आए तुम अपनी मनहूस शक्ल उन्हें दिखाओ, क्योंकि कोई भी शुभ काम करने से पहले
मनहूसियत नहीं चाहिए हमें। आप भी कपड़े बदल कर तैयार हो जाइए। हमें माफ कर दे बेटा, जो कुछ भी अमृता ने कहा उसके लिए आई एम सॉरी। कोई बात नहीं बाबा, ऐसे मत बोलो। और ऐसे भी कॉलेज में जो सब हुआ उसके लिए काकी का गुस्सा जाए से। ओए पिद्दी सुनना, मैं तो ना सिड को तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि अगर सिड संदीप से सच नहीं उगलवाता ना तो माँ तुझे कभी माफ नहीं करती। यार हम सच कह रहे हैं भाई, पता है जब भी तेरे घर आते हैं ना हमारा दिल खुशी से गार्डन गार्डन हो जाता है, ऐसा दिल में खुशी के फूल खिलने लगते हैं। नहीं मतलब देखना हमें इतना रईस लड़का, हमारा दोस्त, हमारा यार। वैसे एक बात तो है सिद, पता है तेरे पापा के पास ना पैसों की माइंस है माइंस, बस हमें ना उन पैसों को खुदाई करके निकालना है, क्या बोलता है? चुप कर, पैसे ऐसे ही नहीं कमाए जाते, बहुत मेहनत और लगन लगती है पैसे कमाने में। तो हम कहाँ कह रहे ऐसे आते, हमको भी पता मेहनत लगती है। ठीक है आशी, दूसरी हो क्या? उड़ोसे जनाब के हाल बेहाल है, किसी और के चेहरे में प्यासी नजर आने लगी। गजब, वो मैं शर्मा सर की सेक्रेटरी, उनको ढूंढ रही थी। निशा या आशी? चुप कर रही, पागल है क्या? लेकिन पापा तो यहाँ नहीं है, और तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो? एक्चुअली मेरी माँ सिटी हॉस्पिटल में एडमिट थी, वहीं से कॉल आया था, तो उनको चक्कर आया, वो अचानक से गिर गई, तो उनको पड़ोसी हॉस्पिटल लेके गए। तुम प्लीज हॉस्पिटल जाओ, मैं पापा को बोल दूंगा, तुम माँ का ध्यान रखो अपने। ओके थैंक यू। चल। अच्छा निशा एक काम करो, कार ले जाओ, किसी ड्राइवर को बोलना कि मैंने बोला है, वो तुम्हें हॉस्पिटल ड्रॉप कर देगा। थैंक्स। वैसे यार मानना पड़ेगा आशी ना बड़ी किस्मत वाली है कि उसे मेरे यार मतलब कि सिद्ध जैसे लड़के ने पसंद किया है। तेरा दिल ना बहुत बड़ा है दोस्त, तुम गोल्डन हार्ट मैन। बस कर, अब की बार आशी आशी किया ना तो तेरा मुंह ऐसा तोड़ूंगा ना कुछ बोलने लायक नहीं रहेगा। नहीं नहीं हम कब कह रहे आशी आशी, भाई तू ही तो बोलता रहता है आशी आशी। कर माँ प्लीज, दी को देखने लड़के वाले आ रहे, हम सब संभाल लेंगे। अरे तुम्हें कौन संभालेगा, चुपचाप तुम दोनों यहीं बैठी रहोगी समझे? एक बार अगर बाहर निकलने की कोशिश की ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और अगर आपसे कुछ गलती हो गई तो? गलती तुमसे होती है हमसे नहीं। देखो अब हमारा नाम भेजा मत गरम करो, चुपचाप बैठी रहो दोनों यहाँ। माँ पर वी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, पता नहीं वो लड़का कौन है कैसा है, माँ दी की जिंदगी का सवाल है माँ प्लीज। अरे मेरी अम्मा वो सब देखने के लिए हम है ना, हम कसम खा के कहते अगर तुम दोनों यहाँ से निकली ना टांगे तोड़ देंगे तुम्हारी। माँ पर हम... बस माँ 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 ये सब क्या है, यहाँ सब इतना गंदा क्यों पड़ा है, अभी तक साफ नहीं किया? तुम्हारी समझ में कुछ आता है कि नहीं, जल्दी करो
सब कुछ हमें देखना पड़ता है, ये अब तक सफाई नहीं होती हमारी, ये चल क्या रहा है इस घर में, सब कुछ हमें देखना पड़ता है, हम ना करें तो कुछ काम नहीं होता यहाँ। एक वो आशी है जो ठीक ठाक काम करती है, लेकिन उस मनहूस को तो हम आज के दिन कमरे से बाहर नहीं आने देंगे। जल्दी करो जल्दी। ठीक है, बहुत अच्छे लग रहे आप, बहुत अच्छे लग रहे। थैंक यू थैंक यू। हेलो माँ, फोन नहीं उठा रही है। माँ ने हम दोनों को भी कमरे में बंद कर दिया, मुझे और आशी को प्लीज 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 उन्हें रिक्वेस्ट कीजिए और प्लीज हम दोनों को भी बाहर निकाल लीजिए। हम क्या क्या, अभी तेरी माँ का मुंह ठीक नहीं है, इसलिए अभी तो कुछ नहीं हो सकता, मैं थोड़ी देर बाद ट्राई करता हूँ। हेलो बाबा, फोन कट कर दिया, देख रही है बाबा ने मेरा फोन कट कर दिया। बाबा ने, ये भगवान कैसे माँ बाप मिले, एक तो माँ कमरे में बंद कर देती है, ऊपर से बाप फोन कट कर देता है। लो अभी तो उठा भी नहीं रहे, भगवान प्लीज उठा ले, मुझे नहीं बाबा को बोल दे फोन उठाने। जाके अपने बाल उठा रहे, ठंडी उठा ही नहीं रहे, ठीक है लगी तो नहीं। नहीं। हेलो जी। अरे आप आ गई। सुनिए। नमस्ते, हाउज यू? नमस्ते नमस्ते। ये अमृता जी है, हमारे सत्संग में डेली आती है, और ये उनके हस्बैंड अमित जी, और ये लड़के की माँ है, और ये उनके पिता यानी कि मदर एंड फादर। नमस्ते। और ये सन नकुल, और ये डॉटर्स गीत। आप यहाँ क्यों खड़ी है, आइए ना। आइए प्लीज आइए। अब 15 इयर्स बैक ये लखनऊ से दिल्ली मूविंग हो गए थे, अब डॉटर इन लाइन को चाहिए लखनऊ की, वो उसे कहते ना कल्चरस की रिस्पेक्टिंग, वही बढ़िया। बैठे 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 प्लीज। अरे अमृता, लगता है तुमने हमें पहचाना नहीं। रोहिणी, तुम इतने सालों बाद कहाँ चली गई थी, कहीं गई। बैठो ना घरे। हाँ, हमारी सहेली है अमृता, हमारी पुरानी सहेली, हम तो इसी के बारे में आपसे बात करते रहते हैं, काफी मजेदार यादें हैं। अरे बच्चे कितने बड़े हो गए तुम्हारे। You have a very pretty smile, auntie. Oh, तुम भी बहुत खूबसूरत हो। Actually, इनके ट्रांसफर होने की वजह से हमें दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा था, और उसके बाद तो तुमसे कुछ कॉन्टेक्ट ही नहीं बन पाए। बट अमृता, हमने कुणाल के बारे में सुना, ऐसे अचानक से किस, बट आज हम बहुत खुश हैं, इतने सालों बाद हमारे बिछड़े सहेली से जो मिल रहे हैं। लो जी, हाफ रिश्ता तो डन समझो। अरे मतलब रिश्ते की स्टार्टिंग तो हो गई, श्री गणेश तो वेरी गुड हो ही गया है, और हमें पूरा भरोसा है कि आगे भी सब वेरी गुड ही रहेगा। हाथ हो गई, अभी भी बाबा फोन नहीं उठा रहे। तो क्यों उनको परेशान कर रही है, और काकी को पता चलना तो वो बाबा पे और गुस्सा करेंगे, मत कर। अरे नहीं बाबा, मैं तो बस ना लड़के को देखने के लिए डेस्परेट हूँ। क्या 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 क्या, मतलब मेरे लिए थोड़ी, और ये माँ भी ना पता नहीं हमेशा उसको कैसे क्यों लगता है कि मैं कुछ ना कुछ गलतियां करती रहती हूँ। इसीलिए। अरे नहीं, देख तू ना समझ नहीं रही है, माँ ने जल्दबाजी में अगर कुछ गलत कर दिया तो इसीलिए टेंशन हो रही है बस। अरे आप लोग लीजिए ना भाई साहब, मिठाई वगैरह ये सारा हमारी विद्या ने अपने हाथों से बनाया। तो बेटा शादी हो गई है आपकी? अरे ना जी ना, मगर बाय फाइनल हो गया। नाउअडेज तो कैसा है ना, शादी की बात इधर पक्की हुई नहीं कि कॉलिंग शालिंग डेटिंग सब चालू हो जाता है, फास्ट जमाना है जी भाई। हाँ आंटी, शादी पक्की हो गई है, पर वो मैं दिल्ली में रह के अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। क्या है ना कि सिर्फ 6 months बचे हैं फाइनल एग्जाम्स में, तो उसके बाद सोचेंगे सगाई या शादी का। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन ऐसे कैसे छोटी बहन की शादी हुए बिना बड़े भाई की शादी। अब भाई क्या बताया तुम्हें, इसने तो जिद पकड़ के बैठी है ना कि भाई की शादी में पहले खूब नाचेगी और फिर शादी करेगी। आजकल के बच्चे, अब हम क्या कर सकते हैं। वैसे हमारी विद्या भी है बड़ी संस्कारी, लेकिन उसका दिमाग भाई हम तो नहीं समझ पाए आज तक। दोनों की खूब जमेगी। हम बस अभी आए हैं। अरे आप लीजिए ना। चल चल क्या था
चाय लेकर आना। माँ आप उन लोगों के सामने ना मुझे भी बोलना। हाँ, हाँ। विद्या मत बोलना प्लीज। अच्छा भी बोलेंगे, चलो तुम आ गई देखिए। नमस्ते। थैंक यू बेटा। ले रखी यहाँ पे और सिट कर जा। अरे आओ ना तुम। अब भाई गर्ल और बॉय एक दूसरे को लाइकिंग तो कर ही लेंगे और हम अपनी जन्म कुंडली साथ में लेकर आए। अगर आप चाहिए तो आपके पंडित जी को भी दिखा लीजिए। हाँ हम पंडित जी को दिखा लेते। अरे जन्म कुंडली कहाँ गई? हमने तो पंडित जी को सुबह ही दिखाई थी। लगता है हाउस में ही रह गई। कोई बात नहीं, भाई और गर्ल एक दूसरे से टॉक करेंगे, इतने हम अभी जन्म कुंडली मंगवा लेते। जी जी चाय लीजिए ना। हेलो निशा, तुम घर पर ही हो ना? हाँ हाँ मैम बताइए। अरे वो कुंडली हम वहीं पर भूल कर आ गए। देखो टेबल पर रखी होगी, टेक इट और लेकर आ जाओ। मैम वो मैं नहीं ला सकती, आपको तो पता है ना कि मम्मी हॉस्पिटलाइज। अरे तो हमें कुंडली गिव करती हुई चली जाना ना, तुम्हारा कौन सा टाइम आउट हो जाएगा? यहाँ हम मैच फिक्सिंग करा रहे हैं और तुम्हारी इंसल्टिंग पर तो लियो, कमाल है। मैम आप समझ नहीं रहे हैं, डॉक्टर ने अर्जेंटली कुछ मेडिसिन लाने को बोला है। कितने बहाने भाई तुम्हारे पास, हमेशा नो नेवर। तुम हमारे भाई की सेक्रेटरी हो ना, तो हमारी भी सेक्रेटरी हो। एक मिनट में गोइंग आउट ना करवा दिया ना तुम्हें तो नाम पलट लेना मेरा। टेक इट कुंडली और लेकर आओ। क्या हुआ निशा? फुआ जी का फोन था, उन्होंने कुछ पेपर्स मंगवाए अर्जेंटली। तुम एक काम करो पेपर्स मुझे दे दो, मैं पहुंचा देता हूँ। लेकिन अगर आप जाएंगे तो फुआ जी बहुत गुस्सा हो जाएंगे। वो मैं देख लूंगा, मैं बात कर लूंगा उनसे, तुम मुझे दे दो, तुम अपनी माँ के पास जाओ। ओके। अरे यार पिद्दी तू इतनी चिल कैसे क्यों हो सकती है? निधि आराम से चुप जाएगा ये चुप। सुन मैं क्या कह रही हूँ, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी क्या है, माँ ने हमें कमरे में लॉक कर दिया है, ऊपर से बाबा फोन नहीं उठा रहे, वो तो सबसे बड़ा शौक दे दिया है। तो सुन हम जाते हैं बाहर छुपके से लड़के को देखकर आते हैं, चलना। ना बाबा ना, हमें कोई शौक नहीं है काकी से डांट सुनने का। यार माँ को पता चलेगा तब ना। Excuse, please. यहां से तू पागल हो गई है, जब टाइम नहीं लगेगा। और वैसे भी तू तो मेरी क्राइम मास्टर गोगो है ना। ओ हेलो, मैं कोई गोगो नहीं हूँ, मैं सिर्फ तेरी सिस्टर हूँ आशी। सुन तो निधि क्या कर रही है? सुन बस एक ही मिनट लगेगा, जल्दी से लड़के का मुंह देखते और आ जाते। प्लीज 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 चल ठीक है, वैसे भी हमको भी लड़के को देखना है। बस जी कुंडली ऑन द वे कमिंग है। माँ को कोई इससे अच्छा लड़का नहीं मिला क्या मेरे लिए? ऐसी ये ऐसा, बाप रे ये मेरे टाइप का तो बिल्कुल भी नहीं है। जी विद्या जी, वैसे नाम से तो ऐसा लगता है कि आप काफी पढ़ने लिखने वाली हैं। सही है, विद्या की देवी है। वैसे सब लोग हमें प्यार से वी बुलाते हैं, तो आप भी हमें वही कह सकते हैं प्यार से। वैसे अभी प्यार से हमारी मुलाकात हुई, वैसे धीरे धीरे प्यार भी हो जाएगा। पागल है क्या? क्यों यार पागल है क्या? आराम से यार। हम एक काम करते हैं, हम अंदर जाते हैं। पागल हो गई है क्या? निधि तेरा दिमाग खराब है क्या? निधि प्लीज
भी एक झलक तो देख ही लेते, मन को तसल्ली होगी। वो बिल्ली शायद आ गई होगी। आपने बचा लिया। काकी ने तो डोर बाहर से बंद किया था और ये निधि के बच्चे वहीं से अंदर चली गई। भरवाई की हमें, क्या करें? हम बाहर से जाते। आवाज थी, कौन चिल्लाया वहां? आप लोग जरा बैठे, हम अभी देख कर आते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? वो मैं पेपर्स। ये यहाँ आया कैसे? हमारे घर में कैसे आया? कोई बताएगा हमें? तुम यहाँ क्या कर रहे हो नेफ्यू? बुआ जी, वो आपकी जन्म कुंडली, ये ऐसे कैसे फट गई? आप जानती हैं इस बदतमीज को? ये एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ लड़का है, एकदम फालतू। एक्सक्यूज मी आंटी, आप जिसे बिगड़ा हुआ लड़का कह रही हैं, मेरी शादी होने वाली है सिद्ध से। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। हमारी तरफ से तुम दोनों को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। वैसे तुम्हें यहाँ कमिंग डाउन करने की क्या जरूरत थी? हम तो निशा से टेल करके आए थे ना कि जन्म कुंडली हमें यहाँ आकर दे जाए। वैसे वो हरसेल्फ किधर है? वो फुआ जी, निशा की मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उसे अर्जेंटली वहाँ जाना पड़ा, इसलिए मैं आ गया। अच्छा अच्छा, अब माँ के लिए तो बेटी आउटगोइंग करेगी ना। हमारी कुंडली के लिए कहाँ, अपनी कुंडली का चेंज आउट करेगी वो। इट्स ऑल ओके, ये सब छोड़ो भतीजे जी, मैं तुम्हें इनसे मीट करवाती हूँ। अमृता जी, हाँ, ये सिद्धार्थ है, 1-to-1 only भतीजा, नेफ्यू। 1 lakh में 1 है जी, एकदम स्मार्ट और फुल ब्रेन फुल। और सिद्धार्थ, ये है अमृता जी, निधि और विद्या की मदर इंडिया, और ये उनके पापा। वैसे गीत के लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढा है आपने, लाखों में एक है।
हमें यकीन है कि जिंदगी भर खुश रखेगा इसे। मैं चलता हूँ, नमस्ते। अरे ऐसे कैसे नमस्ते, अब हमारी चौखट तक आए हैं तो चाय नाश्ता करके जाइए भाई, ऐसे तो नहीं जाने देंगे आपको। अमृता आंटी इतना बोल रही है तो आ जाओ ना थोड़ी देर के लिए। वैसे हमारे यहाँ आने से पहले कोई कोई था क्या यहाँ पर? नहीं मतलब हमें कुछ चीखने की आवाज सुनाई दी। हाँ चीख तो हमने भी सुनी थी, है ना? शायद किसी लड़की की आवाज थी। नहीं थैंक यू सो मच आज फिर से हमारी मदद करने के लिए। अमृता अमृता मेरी बात तो सुनो, क्या तुम फालतू की चीजों में अपना टाइम वेस्ट कर रही हो? अरे अंदर तुम्हारी बचपन की सहेली आई है, जाकर उससे गपशप करो। आप चाहे बात जितनी भी घुमा ले, अगर आशी आज यहाँ निकली ना तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, याद रखिएगा। कतई शेर अमृता, अगर काकी से पहले हम अपने रूम में नहीं पहुंचे ना तो आज तो हम गए काम से। भाग आशी भाग। What a surprise sir, I know तुम मेरे लिए आए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब अंदर चले। हाँ बात कही तुमको, इस घर में कुछ तो गड़बड़ चल रही है, पता कर। अमृता क्या तुम बेकार में शक करती रहती हो? अरे आशी अपने रूम में है, तुमने खुद ही तो बंद किया था उसे। उसकी तरफदारी करने में आप जरा सी भी चूक नहीं करते, फिर भी हम अपनी तसल्ली के लिए एक बार जरूर देख के आएंगे। अब आप आराम से बैठिए, चाय नाश्ता कीजिए, हम बस दो मिनट में आए। आप जरा देखिए ना, अभी आए अभी आए। अमृता को आशी के कमरे में जाने से कैसे भी रोकना होगा, कुछ तो सोचना होगा। अगर अमृता ने आज आशी को पकड़ लिया तो पावर मचा देगी। वो अमृता मुझे तुमसे वो हाँ नकुल के बारे में कुछ बात करनी थी। नकुल के बारे में क्या बात करनी है बताइए। नहीं यही है कि शाबाशी है तुम्हें भाई, तुमने क्या लड़का ढूंढा, कमाल लड़का ढूंढा तुमने, मानना पड़ेगा तुम बहुत समझदार हो। यस हम तो पहले से ही बहुत समझदार है, हर फैसला सोच समझ कर करते हैं। अब आप अपने आप को ही देख लीजिए, जीती जागती मिसाल तो आपके सामने ही है। आपसे शादी करने का फैसला भी हमने अपनी सोच बूझ से किया था। खैर इस वक्त ये सारी बातें करने का वक्त नहीं है, हम बाद में बात करते हैं आपसे। क्या हुआ? अरे यार, अरे आपके घुटने में लग गई। हम पहले उस कलमुही का इलाज करके आते हैं, फिर आपका इलाज करेंगे। घुटने में लग गई कतई जहर। अमृता आंटी तुम यहां क्या कर रहे हो? वो दरअसल मैं आपसे कुछ जरूरी बात करने आया था। अभी नहीं, हमें कुछ जरूरी काम है, बाद में बात करते हैं। एक मिनट सुन लीजिए। बोलो। अरे बहुत दर्द हो रहा है भाई, कहीं बैठने की जगह देखता हूँ। हाँ बहुत दर्द हो रहा है, हाँ यहाँ यहाँ बैठ जाता हूँ, ये जगह ठीक है। जा जा जा।
आंटी मैं जानता हूँ कॉलेज में जो कुछ भी हुआ उससे आपको और अंकल को बहुत दुख हुआ है। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं बस आशी की हेल्प कर रहा था। लोगों ने उसे गलत तरीके से देखा, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। जा, 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 जा। जो हुआ उसके लिए पूरे कॉलेज की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। हो सके तो प्लीज उस इंसिडेंट को भूल जाइए। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने तुम्हें माफ किया। अभी है थोड़ा, है थोड़ा। चले गए मेहमान, अब हम बाहर आ सकते हैं? अभी नहीं, जब हम कहेंगे तब बाहर आना। और खबरदार, हमसे कोई चालाकी करने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जी मां। अब हमने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि वो अंदर ही है, अपने कमरे में ही है। तुम हमारी बात पे यकीन ही नहीं करती हो, अब क्या कर रहे हो? नीचे मेहमान आए, तुम्हारी सहेली आई है, जाके बात करो उससे, बैठो उसके साथ। चलो आओ आओ आओ। कतई शेर, तेरी वजह से हम कितना बुरा फंसने वाले थे आज, तुझे पता है? अगर काकी हमें पकड़ लेती ना तो मेरी तो खैर नहीं थी। माँ से तो बच गए, पर बाबा ने तुझे हमेशा की तरह बचा ही लिया ना। आज तुम्हें बाबा भी नहीं बचा पाए, काकी का पता नहीं मूड कैसा था, अब आगे भी नहीं चली। तो फिर माँ के कतई जहर से किसने बचाया? ओ हेलो, श्री राम ने, जय श्री राम, निकल। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा वक्त लग गया। अरे नहीं नहीं, इसमें माफी मांगने वाली कौन सी बात है? अरे भाई नकुल, कमिंग आउट हो जाओ, शादी की बात के लिए भी कुछ बचा लो। आजा आजा। हमें तो विद्या बेटी अब बहुत पसंद है, बस अब हम घर जाके आपस में बात करते हैं एंड आपको बता देते हैं। जी, आपके जवाब का इंतजार रहेगा हमें। सर चले। मुझे कल कुछ डिजाइनर कपड़े लेने थे, तो तुम कल शाम मुझे अपने शोरूम लेकर चलोगे ना? ओके। थैंक यू। तो कैसा लगा नकुल? ना पसंद आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता मॉम। उसके शूज देखे थे, क्या लग्जूरियस थे, और उसकी वॉच टॉप ब्रांड की थी। हाँ, उसकी बहन की ड्रेस तो डिजाइनर पीस था, कम से कम 1 लाख का तो होगा ही होगा। 1 लाख? हाँ,
उसकी स्किन देखी थी, लगता है बहुत बड़े महंगे पार्लर में ना काफी खर्चा करती होगी। एक बार नकुल से मेरी शादी तय हो गई ना, तो मैं बहुत बड़े पार्लर में जाऊंगी और एक पूरा दिन मैं वहां रहूंगी। एकदम आलिया भट्ट बनकर निकलूंगी मैं पार्लर से। फिर मैं भी नौकरों को अपने आगे पीछे घुमाऊंगी, वो क्या कहते हैं, हाँ, अपनी ड्रीम लाइफ जीऊंगी। कॉलेज में सब के सब बस देखते रह जाएंगे वी का स्वैग। बस तू खुश रहे, तू खुश तो हम भी खुश। काश हमारी विद्या भी आशी की तरह समझदार होती, पैसे नहीं दिल देखती, रिश्ते देखती। ये सामान की लिस्ट है, कोई भी सामान छूटना नहीं चाहिए वरना घर में सुनामी आ जाएगी। विद्या की लिस्ट रख अपने पास। बाबा मैं क्या करूंगी इस लिस्ट का, ये लिस्ट ना आप आशी को दे दीजिए, मैं जा रही हूँ अपना मैनिक्योर पेडिक्योर कराने। बाय गाइस। अरे दी अपना बैग। थैंक्स निधि। अमृता चाहती है कि इसकी शादी हो जाए, लेकिन इसके पास जिम्मेदारी नाम की कोई चीज ही नहीं है। पता नहीं पराए घर को अपना घर कैसे बनाएगी। बाबा विद्या दी बहुत समझदार है, वो सब कुछ संभाल लेंगी। और वैसे भी कहते हैं ना, जो चीजें हम जिंदगी में अपने आप नहीं सीख पाते ना, वो जिंदगी हमें सिखा देती। तो आप विद्या दी की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, और ना ये लिस्ट की लाइए हमें। ये सारा सामान आ जाएगा, घर पे पहुंच जाएगा, आप आराम से जाइए शोरूम। ठीक है? ठीक है। और खाना याद से खा लीजिएगा वरना हम काकी साहब की शिकायत कर देंगे। अब मुझे धमकाना बंद कर। अच्छा एक काम कर, ये कुछ पैसे रख। बाबा ये क्यों? तुझे अपनी काकी के लिए साड़ी खरीदनी है ना, तो इन पैसों से अपनी काकी के लिए एक साड़ी लेना, सॉफ्ट साड़ी अच्छी सी। सेठ कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी। ओ हेलो, तुमने मुझे अच्छे से देखा भी नहीं है, बताओ ना कैसी लग रही हूँ? अरे अच्छी लग रही हूँ। अब मैं तुम्हें एक नई ड्रेस ट्राई करके दिखाती हूँ। ये कलर अच्छा है, ये ट्राई करती हूँ। कीथ पे सब अच्छा लगता है, कीथ है इतनी ब्यूटीफुल, कपड़े मेरा ग्लो नहीं बढ़ाते। मैं जो भी पहनती हूँ उससे कपड़े और डिजाइनर दोनों का ग्लो बढ़ जाता है। ओके चलो मैं ट्राई करके आती हूँ। ओके सेठ, मेरी चेन बंद नहीं हो रही, प्लीज मदद कर दो। आओ ना। ओके। बात तो सही कह रहे हो, हम ऐसे भी कह रहे थे कि निधि 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 ये देख, मैं यहाँ वहाँ देख, वो देख, यहाँ का कलेक्शन अच्छा लग रहा है ना, हमें लगता है काकी के लिए साड़ी यहीं से मिलेगी। ठीक है चल ना, मुंह क्यों बना रही इधर। अरे शर्मा कह रहे हो, तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ, बंद करो ना। सिट सर। हाँ निशा। सिट सर आपने बुलाया? निशा अंदर आके मैडम की जिप बंद कर दो। प्लीज प्लीज जाओ, प्लीज हेल्प कर दो, जाओ जाओ जाओ। मैम क्या मदद कर सकते हैं हम आपकी? कुछ नहीं, जिसकी मदद चाहिए थी वो तो शर्मा के चला गया, अब इसकी शर्म कैसे निकालूं? Na 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 na
नैना लूटे चैना तेरे नैना तेरे नैना लूटे चैना चुराया तूने ख्वाबों को जगाया तूने रातों को सताया तूने आंखों को जाने आवे जाने मैं इतना बह क्यों रहा हूं मुझे हर जगह आशिकी दिखाई दे रही है आना निधि अच्छा तुझे कुछ अच्छा लगे ना तू भी ले लेना ये साड़ी कितनी सुंदर लग रही है काकी पर कितनी अच्छी लगेगी चल कितनी सुंदर सुंदर साड़ी है देख काकी को बनारसी साड़ियां बहुत पसंद है चलना चलते अरे यार मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ये साड़ी वाड़ी खरीदने में तुझे जो लेना है ले ले और जल्दी से चल यहाँ से तो कॉस मत कर अच्छा भैया वो जो बनारसी साड़ी दिखी है ना प्लीज एक मिनट रुकिए भैया जी प्लीज उसमें रेड कलर दिखा दीजिए मुझे यस यस yes. भैया साड़ी दिखाएंगे आप हाँ एक ये बनारसी नहीं है ए रश्मि इनको साड़ियां दिखा फोन में लगी रहती है दिखा जल्दी से दिखाएंगे बताइए आपको कैसी साड़ी चाहिए बनारसी में साड़ी दिखाइए प्रेफरेबली रेड ये दिखाओ साड़ी अब प्लीज जाके साड़ी देखिए दिखाइए प्लीज हाँ हाँ ये देखिए ये देखिए क्या कर रहे हैं आप साड़ियाँ नीचे गिर रही है दिख नहीं रहा है आपको आपकी लापरवाही की वजह से साड़ियाँ खराब हो रही है और ये क्या है कैसे फोल्ड करके रखा है साड़ियों को आशी क्या कर रही है छोड़िए सब देख रहे हैं सब लोग निधि रुक जा दो मेरे मैच देखने में लगे हुए हैं ऐसे करते हैं साड़ी फोल्ड इतनी सुंदर साड़ियों की कोई इज्जत नहीं है पूरी साड़ियां सिकुड़ के रखी हुई है ऐसा लग रहा है जैसे कि चांद के ऊपर बादल आ गया हो साड़ियों की इज्जत करो कदर करो इतनी सुंदर है उनकी कुछ तो वैल्यू करो ना एक्सक्यूज मी मुझे एक बॉटल ग्रीन लहंगा चाहिए मिलेगा सर अभी तो नहीं है सर आप रुको ये लहंगा दिखाइए इसको बोलते हैं बॉटल ग्रीन है ना ये लहंगा बिना देखे मना कर रहे हैं आप तो मना कर रहे थे कि लहंगा नहीं है अब कहां से आया जादू हुआ कोई चमत्कार हुआ कितना अच्छा लहंगा है आपने मना कर दिया कि नहीं वो एक तो बोल रहे हैं सर हम ये लोग लगे हुए टाइम पास में आपको निधि रुक जा आपको क्रिकेट का मैच देखने के लिए यहाँ पे सैलरी मिलती है कस्टमर आ रहा है आप बिना कुछ चीजें देखे हुए मुंह पे बोल रहे हैं नहीं अवेलेबल नहीं है क्यों अवेलेबल नहीं है आपको चेक करने में प्रॉब्लम हो रही है और एक बात बताइए आपके ऐसे बर्ताव से कस्टमर यहाँ पे दोबारा आएगा आशी चुप कर हाथ जोड़ते हम इनकी नौकरी चली जाएगी आशी तू निधि हम भी नहीं चाहते कि उनकी नौकरी जाए लेकिन आपको अपना काम तो ईमानदारी से करना होगा ना आप काम में कैसे बेईमानी कर सकते हैं काम हमारी पूजा होती है और हमें पता है क्या लगता है कि इनके ओनर नहीं देख रहे ना इसलिए सबको इतनी छूट मिल के रखी हुई है अगर इनके लो भाई सीसीटीवी लगा हुआ है इसका मतलब ये कि आपके ओनर को भी कोई फिक्र नहीं है सर आप ही बताएं सर 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 आप ये हाथ जोड़ के क्यों खड़े हमारे सामने इसलिए कि आपको यहाँ पे आके तकलीफ हुई और स्टाफ ने आपको ढंग से अटेंड नहीं किया अरे अंकल इसमें आपकी गलती थोड़ी है क्या ना कि इस शोरूम का मालिक मैं ही हूँ यहाँ का स्टाफ नया है इसलिए इन्होंने मुझे पहचाना नहीं सर सॉरी सर आप प्लीज अपने स्टाफ को मत डांटिएगा और हमें भी नहीं क्या है ना वो हमारे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हम देखते हैं ना कि कोई भी अपना काम दिल से नहीं करता है तो हमें बहुत गुस्सा आ जाता है हमें ऐसा लगता है कि जिस काम से हमारे घर में हमारे बच्चों का पेट भर रहा हो हमके साथ कभी बेईमानी नहीं करनी चाहिए तभी हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं ना हाँ अंकल
सो सॉरी, वो आशी की बातों का प्लीज बुरा मत मानिएगा, मतलब घर में भी कुछ इधर का उधर हो जाता है ना, ये बहुत चिड़चिड़ करने लगती है। भैया वो रेड वाली साड़ी दे दीजिए। जी बेटा, तुम्हें बुरा फील करने की कोई जरूरत नहीं। तुमने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, बिल्कुल सही किया। ये सारा का सारा स्टाफ काम चोर है। इन सबको सुधारने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है। इस पूरे लखनऊ शहर में ऐसे 7 शोरूम है मेरे, और इन सबको मैनेज करने के लिए मुझे एक मैनेजर की जरूरत है। अरे मैं तुम्हें मैनेजर की जॉब ऑफर कर रहा हूं। मगर अंकल हम स्टूडेंट हैं, हम साथ में दोनों चीजें कैसे मैनेज कर पाएंगे? इतना से आराम से सोचो ठंडे दिमाग से और फिर मुझे जवाब दो। ये मेरा कार्ड है और मेरा नाम है अभिमन्यु शर्मा। और जो भी जवाब दो सोच समझ कर देना। थैंक यू। बाबा आपको पता है आज क्या हुआ? आशी ने आज सबको ऐसी डांट लगाई ना कि सबके सब लोग डर गए। हाँ तो ठीक है, हमारी बिटिया ने कोई गलत बात थोड़ी की होगी। देखो भाई, अगर आप कोई काम से काम चोरी करेगा तो ये चुप तो बैठेगी नहीं, ये तो उसके खिलाफ लगाएगी। वैसे हाँ, आजकल हमारे स्टोर में भी ना यही सब हो रहा है। अच्छा? अरे जरा नजर इधर से उधर हो कि बस सब बातें करने लगते हैं। काम बंद, जैसे दिन काम करने के लिए नहीं आते वो फिर बातें करने आते हैं। हर बाबा ये तो कुछ भी नहीं, आशी ने वहाँ पे जो मालिक थे ना उनको भी डांट लगा दी। सोचो, मालिक को डांट लगा दी। बाप रे, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, आशी उनको डांट लगा दी, कुछ गलत तो नहीं किया था, तो फिर उन्होंने वहाँ पे तो फिर उन्होंने आशी को जॉब ऑफर कर दी। हाँ बाबा, उन्होंने हमें अपने स्टोर पे मैनेजर की जॉब ऑफर की है। आशी बेटा, तू जॉब करेगी तो फिर पढ़ाई कैसे करेगी? बाबा हम क्लास से शाम को जा सकते हैं, पर बाबा हमारा बड़ा मन है कि हम ये जॉब करें। हम अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, अपने लिए नहीं पर अपने बाबा और अपनी काकी के लिए। हम चाहते हैं हमारी वजह से आप दोनों का सर हमेशा ऊंचा रहे। कतई जहर। तुमने सोचा भी कैसे कि हम अपने घर की बहू को बाहर काम करने भेजेंगे? पहले ही हमारे घर की इज्जत पर दाग लगा चुकी हो तुम, अब क्या करना चाहती हो तुम? हमारी इज्जत पर कीचड़ उछालना चाहती हो? हाँ, ऐसे ही हमारे घर की इज्जत बीच चौराहे पे नीलाम कर दोगी तुम। कतई जहर।